और इसी बीच एक खबर है बागपत से यमुना के बीच मझधार में IHL कंपनी की गैस पाइपलाइन फट गई। गैस पाइपलाइन फटने से यमुना नदी में तूफान सा उठ गया। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आसपास लोगों को अलर्ट किया। गैस संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई। सुबह 3 बजे पानीपत दादरी पाइपलाइन अचानक से फट गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड, सिंचाई विभाग, जिले के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल गैस की सप्लाई को बंद किया गया है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुबह 4 बजे से पानी में आवाज आ रही है बहुत। पानी ऊपर उठ रहा 20 फुट ऊपर। गांव के लोग बता रहे हैं यहाँ लाइन दब रही गैस लाइन। ये मामला कुछ अभी पता नहीं लगा क्या है क्या नहीं। दुकान है गांव के सामने, जाना भी पड़ता है यहाँ। ये देखिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खबरें इस तरह की है कि गैस पाइपलाइन फट गई है, जिसकी वजह से ये नदी की लहरें इस तरह से उठती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस वक्त हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे से जुड़ रहे हैं बागपत से। कुलदीप, क्या अपडेट है इस खबर पर, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए बता दूं कि चपरौली थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर जागोस, बदरखा और कोताना गांव यमुना के किनारे पड़ते हैं। यहाँ गांव के पास जो यमुना बह रही है, यमुना में तेज बहाव है और जिसके चलते जो गैस पाइपलाइन यहाँ से पानीपत से दादरी तक जाती है वो यमुना से ही निकल के जा रही है। जो गैस पाइपलाइन है तेज बहाव के चलते उसमें रिसाव हो गया था और जो मौके के जो ग्रामीणों की सूचना के बाद, क्योंकि ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी और ग्रामीणों की सूचना पर तमाम जो यूपी और हरियाणा के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जो गैस पाइपलाइन है उनके आला अधिकारियों को सूचना करके जो लीकेज हो रहा था लीकेज को बंद करा दिया है। और फिलहाल जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो रिसाव हुआ है उसको ठीक कराने का जल्द ही प्रयास किया जा रहा है। ठीक है कुलदीप, शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए।